मैंने आशाना हाउसिंग लिमिटेड में जब काम किया था सो वहाँ पर क्या है कि सिर्फ सेल्स नहीं सिखाते थे मेंटेनेंस की सारी नॉलेज मिलती थी ट्रेनिंग मिलती थी एंड कंस्ट्रक्शन वाइज भी हमें सारी ट्रेनिंग मिलती थी कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बारीकियाँ हैं कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्या मटीरियल यूज़ करते हैं क्या मटीरियल यूज़ करना चाहिए गुड़गांव में मेरा सिलेक्शन शोभा लिमिटेड में हुआ तो शोभा में भी माई कंस्ट्रक्शन फुल्ली माई कंस्ट्रक्शन था उस फ्रेम्स में फिर सरिया जो है वो डाला जाता है एंड देन सीमेंट एंड कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है हेलो एवरीवन मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार सो आज कोई न्यूज़ नहीं है आई I मीन mean, कोई न्यूज़ लेके नहीं आई हूं बिकॉज आपको ऐसा लग रहा हो कोई न्यूज़ चैनल है सो so ऐसा कुछ नहीं है So, कई सो कई दिनों से मैं एक टॉपिक लेके आने आना चाह रही थी बिकॉज़ जब जहन में आपके इतनी नॉलेज हो जहन में इन देंस कि आपका एक्सपीरियंस 10-12 साल का हो और कई नॉलेज आपने गेन कर रखा हो और फिर वो डिलीवर ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है नॉलेज लेने का सो so, जैसे कि मैं मैंने आशा हाउसिंग लिमिटेड में जब काम किया था सो so, वहाँ पर क्या है कि सिर्फ सेल्स नहीं सिखाते थे सिखाना सेल्स तो कह वैसे भी नहीं सिखा सकते सो so, सेल्स के अलावा भी मेंटेनेंस था इन हाउस मेंटेनेंस इन हाउस कंस्ट्रक्शन सो इन हाउस मेंटेनेंस से हमें मेंटेनेंस की सारी नॉलेज मिलती थी ट्रेनिंग मिलती थी एंड कंस्ट्रक्शन वाइज भी हमें सारी ट्रेनिंग मिलती थी कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बारीकियाँ हैं कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्या मटीरियल यूज़ करते हैं क्या मटीरियल यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी सो so, आशियाना में हमने माइवन कंस्ट्रक्शन भी सीखा था एंड बिकॉज वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर आशिया सुर भी है वहाँ पर uh, माइवन कंस्ट्रक्शन हुआ था एंड नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यानी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन जो रेड ब्रेक फ्लाई एश एंड डबल एसी ब्लॉक सो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमें बताया गया था सो सेम एज़ फिर मेरा गुड़गांव में uh, आना हुआ एंड गुड़गांव में मेरा सिलेक्शन uh, शोभा लिमिटेड में हुआ तो शोभा में भी माइन कंस फुली माइवन कंस्ट्रक्शन था सो so, वहाँ पर भी मैंने कई चीज़ें सीखी अब जो मैंने सीखी वो मैं थोड़ा सा बांटना चाह रही हूँ बिकॉज़ क्या है जितने भी क्लाइंट्स हैं जितनी भी मेरे पास लीड्स आती हैं सो so, उन उन क्लाइंट्स को पता होना चाहिए या फिर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि माइवन कंसक्शन क्या होता है नॉर्मल कंसक्शन क्या होता है एंड क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या कॉन्स है सो बेसिकली माइवन पहले हम लोग ये देखेंगे कि माइवन वन और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता क्या है फिर प्रोजेंट कॉन्स और फिर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें फॉल करते हैं सो वन कंस्ट्रक्शन में होता है जॉइंट लेस कंस्ट्रक्शन बेसिकली जॉइंट लेस कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब पुराने ज़माने में हमारे फादर या फिर हमारे जो दादा लोग ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करवाते थे तो वो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान होता था कि छत मजबूत बने सो so, आज की डेट में माइवन कंस्ट्रक्शन में ये पॉसिबल है कि आपकी छत भी मजबूत हो और आपका जो वॉल है वो भी मज़बूत हो, होता है सो so, इसमें क्या है क्योंकि आ, फ्रेम्स लगते हैं सो so पहले क्या होता है कि आर्किटेक्ट डिज़ाइन देता है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्रेम्स बनते हैं एंड फ्रेम्स जब आकर फिर इंस्टॉल होते हैं फ्रेम्स एंड उस फ्रेम्स में फिर सरिया जो है वो डाला जाता है एंड देन सीमेंट एंड कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है सो so, जब मिक्सचर जाता है तो वो जो रूफ़ पे डल रहा है मिक्सचर वही मिक्सचर आपका वॉल्स पे डलता है बेसिकली सारा वही चीज़ होता है उसमें ब्रिक का कोई काम नहीं होता उसमें कॉलम का कोई काम नहीं है नो कॉलम नो बीम कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली सो कंक्रीट एंड सीमेंट का मिक्सचर गया तो सेवन डेज़ के लिए रख दिया जाता है आई मीन सेवन टू टेन डेज इसको सूखने में लगता है ड्राई होने में लगता है फिर उसके बाद मिनिमम सेवन डेज़ क्योरिंग होती है जिसको हम तराई भी बोलते हैं सो मिनिमम सेवन टू ट्वेंटी वन डेज ट्वेंटी फाइव डेज वो बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है कि वो कितने डेज में करते हैं एंड नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो है जो हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं ड्रेड ब्रिक आई मीन सैंड और सीमेंट uh, है और कंक्रीट है उसका मिक्सचर जा जा रहा है फिर ब्लॉक्स बन रहे, है, and then, uh, uh, cement रहे हैं एंड देन सीमेंट के थ्रू उसमें प्लास्टर हो रहा है एंड फिर तराई हो रही है सो so, वो पूरा लंबा प्रोसेस है जिसको ऑप्ट आजकल नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर भी हम आते हैं अब माईवन कंसेक्शन जो है वो नॉर्मली हाई राइज में होता है हाई राइज में मींस ट्वेंटी फ्लोर से ज़्यादा ऊपर अगर है तो उसमें मैंडेटरी है कि हम माइवन कंसेक्शन करें सो क्योंकि माइवन कंसेक्शन इसलिए भी करें बिकॉज स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी आप अगर ब्रिक वर्क ही लेके आएंगे एंड हाई राइज बना देंगे ट्वेंटी फ्लोर से अपर बना देंगे तो वो स्ट्रेंथ उतना नहीं दे पाएगा बिकॉज़ डेली uh, जो है वो सिस्मिक जोन फोर में है एंड आप भूकंप के झटके ही रहे हो सो so, वो भूकंप के झटके जो हैं वो माइवन कंस्ट्रक्शन में इतना नहीं हो, होगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है सरिया के वजह से एंड uh, जो उसका मिक्सचर है उसके वजह से सो so, इस वजह से उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे सो so, और जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है अगर आपने हाई राइज बना दिया तो उसमें क्रैक्स आने ही आने हैं सो so, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वो लो राइज एंड मिड राइज मिड राइज मीन्स फोर्टीन फ्लोर और टिल एटीन ट्वेंटी फ्लोर तक मिड राइज में आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा अब डिफरेंस जो मैं आपको जैसे बता रही थी माइवन कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉस्ट uh, उसमें ज़्यादा लगता है बिकॉज उसमें कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगता है कि उसके पहले डिज़ाइनिंग होती है फ्रेम्स जो बनते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होके उसका ऑर्डर दिया जाता है तो फ्रेम्स बनते हैं तो उसका कॉस्ट लगता है एंड देन फिर सरिया सीमेंट ऑल उसका कॉस्ट uh, ज़्यादा लगता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बट अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है सो माईवन कंस्ट्रक्शन आपको उसमें मार्जिन दे के जाएगा लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है और फिर आप माइवन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट वो ज़्यादा लगेगा सो बेसिकली माईवन कंस्ट्रक्शन जो है वो दो से ढाई साल में बन सकता है बिकॉज़ उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है आपने लिक्विड डाला ड्राई हुआ फिर छत डली फिर ऐसे स्टेप्स करते 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 वो जल्दी हो जाता है नॉर्मल कंसेक्शन में अगर माइवन कंस्ट्रक्शन कंसेक्शन को ढाई साल लग रहे हैं तो इसमें इसको साढ़े तीन साल लग, लगते हैं तीन से साढ़े तीन साल लगेगा बिकॉज इसमें आपको मैन uh, पावर जो है वो ज़्यादा uh, लगेगी एंड uh, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी टाइम आपको ज़्यादा लगेगा एंड इसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्योरिंग जो ईंटों को पानी पहुँचना चाहिए उसको भी टाइम लगता है सो so, इस वजह से भी इसमें टाइम लगता है अब वो हम आ जाते हैं प्रॉज एंड कॉन्स पे सो so, प्रोज जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा मिलता है बिकॉज जो छत है जो वॉल है वो सारी एक ही जैसी बन रही है एंड एक प्रोस जो है वो आपका जो कापेट एरिया है माइवन कंस्ट्रक्शन में वो ज़्यादा निकल के आता है वो क्यों क्योंकि इसमें प्लास्टर नहीं होता है सो so, जो प्लास्टर है जैसे नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें नाइन इंच की दीवार है तो इसमें आपकी फ़ाइव टू सिक्स इंच की दीवार होगी सो so, उसमें आपको कापेट एरिया ज़्यादा निकल के आएगा एंड कापेट एरिया बिकॉज क्या है पीओपी प्लास्टर uh, नहीं है तो पीओपी लगा एंड उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं सो so, एक प्रॉस तो ये हो गया एंड स्ट्रेंथ जो है इस दूसरा स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल आई आम, मीन होता है माइवन कंसेक्शन में इसमें एज कम्पेयर टू कम होता है एंड uh, फिर uh, आ जाते हैं हम सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम जो कि आज के डेट में बहुत है अब जैसे uh, जो भूकंप के झटके होते हैं क्रैक्स हो जाता है तो क्रैक के वजह से आप पोर्स ओपन हो जाते हैं हम पोर्स जो ओपन हो गए उसमें फिर मॉइस्चर जो है वो खींचता है वो पोर्स एंड खींच के फिर वो पोर्स नीचे की तरफ जाता है एंड फिर वो सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट ये तो एक हो गया मैंने आपको एक सीधा सिंपल वे में समझाया है Uh, uh, एंड ऐसे ही अगर नॉर्मल कंसेक्शन है तो उसमें अगर क्रैक हुआ तो क्रैक में आई मीन उसके उसमें बिकॉज क्रैक हो गया है तो उसके उसमें मॉइस्चर जाना ही जाना है तो नॉर्मल कंसेक्शन में सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है सो so, uh, ये हो गया प्लस अब आ जाते हैं हम इसके कॉन्स पे सो so, जो कौन से है वो ये है कि माइवन कंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते मीन सॉफ्ट वॉल है नहीं कई कई बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि बाहर का माइवन कंस्ट्रक्शन कर दिया अंदर के सॉफ्ट वॉल खड़ी कर दिए तो वो बेकार होता है आई I मीन mean, अच्छा नहीं होता है कि आप अंदर सॉफ्ट वॉल कर रहे हैं बाहर माई वन कंस्ट्रक्शन का पूरा कर दिया आप ये और फिर उसको मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि माई वन कंस्ट्रक्शन है माई वन कंस्ट्रक्शन है ये तो हम तो ऐसे बना रहे हैं हम तो वैसे बना रहे हैं लेकिन सॉफ्ट वॉल अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को हिला रहे हैं बेसिकली स्ट्रक्चर के जो स्ट्रेंथ है उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं सो इट्स बेटर कि माई कंस्ट्रक्शन में आप कोई भी वॉल में छेड़छाड़ी नहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते सो so, आपको अगर ड्रिल भी करना है आपको नेल भी लगाना है तो आपको ड्रिल करवाना पड़ेगा मेंटेनेंस को बुलाना पड़ेगा एंड वो सारी चीज़ें सिस्टम करना पड़ेगा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में आप खुद खुद ही कर सकते हैं एंड एक कॉन्स ये भी है कि माइवन कंसेक्शन माइवन कंसेक्शन का एक पॉजिटिव पार्ट ही कह लीजिए कि अगर प्लास्टर नहीं है तो झड़ेगा नहीं अदरवाइज़ क्या होता है ना कुछ टाइम के बाद प्लास्टर झड़ने लग जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि पेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है फिर हम दोबारा से प्लास्टर करवाते हैं तो वो कॉस्ट भी हमारा ज़्यादा लग जाता है प्लस नॉर्मल कंस्टक्शन में प्लास्टर Uh, होता है तो एक तो उसका जो मोटापन है वो निकल के आ जाता है प्लस प्लास्टर कई दिनों के बाद है ना झड़ने लग जाता है अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्लास्टर झड़ने लग जाता है एंड वो फिर लुक एंड फील अच्छा नहीं आता और दूसरी चीज़ जो है माइवन कंस्ट्रक्शन में आप uh, जैसे वुड वर्क है पंद्रह बीस लाख रुपए नॉर्मली लगा रहे हैं अगर करोड़ डेढ़ करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो नॉर्मली इतना इंटीरियर में पैसा लगा रहे हैं लोग सो so, वुवर्क uh, अगर करवा रहे हैं और आपके घर में सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट होने की वजह से वुडवर्क ख़राब हो जाता है क्योंकि लकड़ी का काम है मॉइस्चर कैच किया फूलने लग गई एंड फिर आपका वुडवर्क ख़राब हो गया सो माइन कंस्ट्रक्शन में ये फ़ायदा है कि आप पूरा जो है ताह उम्र के लिए फ्री हो सकते हैं सो so, आपका कॉस्ट जो है एंड जो माइंड है वो फ्री होता है सो so, मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बेकार है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मिड राइज में अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत सही है बिकॉज़ वो आपको ही देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आप ही से लेंगे सो so, मिड राइज में माइन कंस्ट्रक्शन ना करके नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो बेटर है क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिंग नहीं है अदरवाइज बिल्डर को ज़्यादा पड़ेगा कॉस्ट तो वो आप ही से मांगेगा ज़्यादा पैसे सो so, अब क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स माइन कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं सो so, अभी रिसेंटली लॉन्च uh, हुआ है प्रोजेक्ट स्मार्ट uh, वर्ल्ड 66, सिक्स so, सो वो छः टावर हैं उसमें थ्री ट्विन टावर्स हैं सो so, वो माइवन कंस्ट्रक्शन 42 टू का है एंड ये तो आ जाता है छः सात करोड़ के रेंज में फिर इसके बाद गोदरेज 49 है वो uh, माइवन कंस्ट्रक्शन है देन उससे कम मैं आपको कम के तौर पे लेके जा रही हूँ हाई राइज आई मीन हाई रेट से एंड लो रेट तक लेके जा रही हो फिर आ जाते हैं एस एस एंडाना सो so, एस एस एंडाना माइविन कंसेक्शन है दस टावर्स हैं नाइन सोल्ड आउट है और एटीन फिफ्टी स्क्वायर फीट का साइज है वो भी माइविन कंसेक्शन है अब नॉर्मल कंसेक्शन जो कौन कौन से हैं वो कर लेते हैं so, सो नॉर्मल कंसेक्शन में आ जाता है आशाना अमारा जिसका फेज़ वन फेज टू जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है फेज थ्री जो है उसका ई ओ लिया जा रहा है एंड वो करीबन जनवरी में लॉन्च होने की उम्मीद है रेरा अप्लाइड है सो so, वो नॉर्मल कंसेक्शन है अब इन हाउस कंसेक्शन है आशाना का सो so इन हाउस टीम है सो so वो उस पर आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं जो वो लेआउट लेके आ रहे हैं वो बहुत इम्प्रेसिव लेआउट है सो so, वो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड देन लो राइज में आ जाते हैं फिर क्योंकि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो है वो आशियाना के अलावा अभी कोई एज सच बिल्डर नहीं कर रहा है uh, सिवाय गोदरेज सेवेंटी नाइन के सो गेज सेवेंटी so, नाइन जो है वो डबल सॉरी फ्लाई एश ब्रिक पे कर रहा है एंड सेम फ्लाई एश ब्रिक कर रहा है आशियाना हमारा सो so, सेवेंटी नाइन में में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब वो थ्री बेडरूम ही ऑप्शन अवेलेबल है उसके बाद टू बेडरूम टू पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव इज सोल्ड आउट अब लोअरइज में अवेलेबिलिटी आ जाती है बिकॉज लोअर आइज में ही नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रहा है सो उसमें ऐसे लंडन जो कि सेक्टर एटी फोर एंड एटी फाइव में है एस एस सिलेंडन सिर्फ फोर बेडरूम है ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी की स्क्वायर फीट का विच इज टू पॉइंट फाइव सी आर के में एंड देन इससे कम में अगर आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्रोजेक्ट्स से हैं सेवेंटी बी में एंड एटी वन सेक्टर फिर नाइन्टी टू सेक्टर एंड नाइन्टी थ्री सेक्टर सो so, इनमें लो राइज है लो राइज जो है बेसिकली वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ही बेटर रहता है क्योंकि कॉस्ट आपको कम पड़ेगा सो so, ये हो गई माइवन एंड कंस्ट्रक्शन और अगर आ, आपको जानकारी चाहिए सो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं माइवन की जानकारी चाहिए आपको जो आप जो भी आपको क्वेश्चन बिकॉज मैं हैश नहीं लगाने वाली इस बार सो तो जो भी आपको जानकारी चाहिए बिकॉज मैं सलाहकार हूँ तो मैं सलाह देने के लिए ही बैठी हूँ सो so, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड अगर कोई भी सजेशन आपको चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक लाऊं आपको और नॉलेज बांट पाऊं जो मेरे अंदर नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है सो <laughs> so, वो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं देन वी कैन ट्राई कि हम और इस पर बातचीत करें आगे सो so, अब तक के अब तक यही एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तब तक के लिए नमस्कार सलाहकार सादिया सलाह लीजिए